17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत 14 सितंबर को 20 सितंबर तक पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को गोरखपुर महानगर में सेवा सप्ताह की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर और जिला इकाई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रक्तदान कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव सेवा भाव से कार्य करते हुए अपना तन मन धन समर्पित करके कार्य करता है। भाजपा का लक्ष्य कभी भी सत्ता प्राप्ति नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता पूरे समर्पण की भावना से प्रत्येक स्थितियों में समाज तथा देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। साथ ही जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि रक्तदान का कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ आयोजित करके भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की एक नई मिसाल पेश की है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जा रहे रक्त से जरूरतमंदों को काफी लाभ मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि रक्त के अभाव में किसी की भी जान ना जाए। इस दौरान रक्तदान शिविर में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह नी, वर्तमान महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, कार्यक्रम संयोजक रण विजय शाही, अच्युत्यानंद शाही, देवेश श्रीवास्तव, शशिकांत सिंह, पवन यादव, सत्यम साहनी, हिमांशु श्रीवास्तव, सिद्धार्थ चक्रवर्ती, शशांक सोनकर, अविनाश राय, सत्येंद्र जायसवाल, मनोहर गुप्ता, संजू यादव, सता मिश्रा, उत्कर्ष मिश्र, अखिलेश पांडे, आदित्य गिरी उपस्थित रहे। रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा महानगर अध्यक्ष पवन यादव तथा जिलाध्यक्ष सत्यम साहनी ने रक्तदान करके किया। तत्पश्चात नी वर्तमान महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, अभय शुक्ला, उपाध्यक्ष शिवम मिश्र, अनिल कुमार, सत्यजीत सिंह, प्रदीप निषाद, शुभम कश्यप, आकाश शर्मा, शिवम राय, पंकज जायसवाल, हर्ष श्रीवास्तव, संदीप जायसवाल, रवि सिंह सोलंकी, आकाश चौधरी, सुमित निगम, कुलदीप, विपुल मिश्रा, विष्णु मधेशिया, राहुल जायसवाल, मनीष सिंह, प्यारे मोहन, हिमांशु सिंह, जवाहर यादव, महेंद्र सिंह, नवीन गुप्ता, विश्वजीत सोलंकी, लक्ष्मण अनुराग त्रिपाठी, विकास पांडे, गोलू प्रजापति, राजू निषाद, आलोक गुप्ता, आदित्य गुप्ता सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। इस संबंध में गोरखपुर नी से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा, थोड़ी लापरवाही किए उसको दाबिए धीरे भैया, सब नीचे करीब बहुत वही क्या जगह संख्या जब डालेंगे उस पंछी होता वो अंदर ही जाएगा यहाँ बेसिक से स्टार्ट हुआ लेकिन समय भी कम हुआ ऐसे में रहता है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 70 वर्ष के 17 तारीख को पूरे हो रहे हैं। उसी 70 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। आज उसी के कड़ी में प्रथम दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर एवं जिला के नेतृत्व में 70 लोगों का रक्तदान एवं प्लाज्मा डोनेशन का कार्यक्रम किया गया है और ताकि गरीब असहाय रोगियों को उस रक्तदान से उनको रक्त मिल सके और लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा ही संगठन को चरितार्थ करती है, संगठन को सेवा के लिए ही प्रेरित करती है। इसलिए आज उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के
उपलक्ष्य में जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है उसके प्रथम दिन आज युवा मोर्चा के हमारे पवन यादव जी महानगर के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष सत्यम साहनी जी के नेतृत्व में 70 युवाओं के द्वारा आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक पर किया जा रहा है। युधिष्ठिर सिंह जिलाध्यक्ष गोरखपुर, आज इस सदर हॉस्पिटल पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, जो सबका साथ सबका विकास लेके चलने की बात करते हैं, 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के रूप में, एक चौकीदार के रूप में जो दिन रात कार्य करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर संगठन के द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज युवा मोर्चा के द्वारा महानगर के अध्यक्ष पवन यादव और जिले के अध्यक्ष सत्यम साहनी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनके देखरेख में आज 70 युवाओं से ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है।